नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के दिग्गज नेता पिनराई विजयन ने बुधवार 30 अगस्त को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसका सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी जैसा ही रुख है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर केरल के हितों के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। दरअसल विजयन पुथुपल्ली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जारी प्रचार अभियान के तहत कोट्टायम में कुछ स्थानों पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और पुथुपल्ली से विधायक ओमन चांडी का इस साल जुलाई में निधन हो गया था, जिसके चलते सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार नहीं कर पाई, जबकि वह खुद के धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है। उन्होंने कहा कि पुराने अनुभव दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी का जो रुख है वही कांग्रेस का है। विजयन ने आगे कहा कि कांग्रेस की केरल इकाई का भी यही रुख है, क्योंकि उसने स्थानीय निकाय चुनाव में सीटों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस के वरिष्ठ दिवंगत नेता की आलोचना करनी पड़ी। गौरतलब है कि मणिशंकर अय्यर ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव सांप्रदायिक थे और उन्हें देश में बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री कहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। विजयन का ये बयान इंडिया अलायंस की मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक से एक दिन पहले आया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कल 30 अगस्त बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमवीए नेताओं ने जानकारी दी कि इंडिया अलायंस ने दो और क्षेत्रीय दलों को शामिल करके अपना विस्तार किया है, जिसके बाद अब इंडिया के घटक दलों की संख्या 28 हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गठबंधन में महाराष्ट्र की वामपंथी पार्टी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी शामिल हुई है और आज होने वाली इस तीसरी बैठक में 28 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बताया, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। इस बैठक में चुनाव लड़ने की रणनीति, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लोगो और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि अभी तक इंडिया गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों को लेकर भी फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए बने 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी और अहम बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। वहीं आज 31 अगस्त और कल 1 सितंबर को होने वाली इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं जोर पर है। दरअसल कुछ राजनीतिक दल के नेताओं ने अपने बयान में अपनी पार्टी के दिग्गज नेता को पीएम पद का चेहरा बनाने की इच्छा जाहिर की है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने पीएम चेहरे की दावेदारी से फिलहाल इनकार किया है। उनका कहना है कि देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वे एकजुट हुए हैं और विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका उद्देश्य एक है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कल 30 अगस्त को मुंबई में हुई इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के पास और क्या चॉइस है। जो 10 साल से बैठे हैं उन्होंने क्या किया, सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंगबली को भी लाना पड़ा उनको, तो भी बजरंगबली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। तब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए 30 अगस्त को मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम का चेहरा इंडिया होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई देश को बचाने की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब बहुत कम समय बचा है। वहीं बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, यह काफी पहले साफ किया जा चुका है। इस बीच सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का पीएम पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मायावती के नेतृत्व वाली बसपा को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल करने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस पर कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि मायावती किसके पक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुझे जानकारी है कि मायावती बीजेपी के संपर्क में है, वे पहले भी बीजेपी के साथ बातचीत कर चुकी है। वहीं इससे एक दिन पहले यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री
और बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि सभी पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए या विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं, इनसे मिल जाएं तो सेक्युलर और ना मिलें तो भाजपाई। मायावती की बसपा के अलावा श्रोमणि अकाली दल को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने की अटकलों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अकाली दल का हमारे साथ आना मुश्किल है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं। अगर अकाली दल साथ आएगा तो डिफरेंस पैदा होगा। वहीं इस बीच श्रोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल ने इशारों में साफ कर दिया कि वे कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए श्रोमणि अकाली दल के पास काफी सारे विकल्प हैं। अकाली दल उस गठबंधन का हिस्सा बनेगा जिससे पंजाब को सबसे अधिक फायदा होगा। हम अपनी इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं और देखेंगे कि पंजाब के लिए क्या बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा नुकसान पंजाब का किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला ने बुधवार 30 अगस्त को अपने दोस्त और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर कहा कि अब उनकी उम्र बढ़ रही है इसलिए उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। दरअसल पूनावाला इस साल के अंत में भारत में होने वाले मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता से जुड़े एक मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनसे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में पड़ी फूट के बारे में सवाल पूछा गया। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शरद पवार के पास प्रधानमंत्री बनने के दो मौके थे, हालांकि उन्होंने इन्हें गवा दिया। वह एक चतुर व्यक्ति हैं। मैं उस समय प्रधानमंत्री के रूप में देश की अच्छी सेवा कर सकते थे, लेकिन वे मौके हाथ से छूट गए। अब जिस तरह मेरी भी उम्र बढ़ रही है, वैसे ही उनकी भी उम्र बढ़ रही है, इसलिए अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। एलपीजी रसोई गैस पर 200 रुपए कम करने के केंद्र के इस फैसले को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, केंद्र को जनहित में हर मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ेगा। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने की चर्चा पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि दोनों ही चुनावों को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।